हेलो गाइस, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी होता क्या, जनरल भाषा में बोल सकते हैं तो इट इज़ अ टेक्निक टू यूज़ माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप का यूज़ करना कोई भी मेथड में, कोई भी टेक्निक को, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स टू व्यू ऑब्जेक्ट एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट डैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। तो जो माइक्रोस्कोपी है, हाँ, ऐसा टेक्निकल फील्ड है जिसे हम माइक्रोस्कोप को की हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट को और कोई भी ऑब्जेक्ट के एरिया को देख सकते हैं। हाँ, और हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी में तीन टाइप्स के होते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी होते क्या है, लेस मैग्निफिकेशन पावर होती है, इसकी क्या होती है, मोर होती है, और इसका रेजोल्यूशन पावर भी स्लो होता है और इसका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और ये जो आम कॉलेजों में मतलब होते हैं, मतलब ठीक है ना, और आमतौर पर मतलब कॉलेजों में होते हैं और ये होते नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग एन लार्ज इमेज ऑफ एदर स्मॉल ऑब्जेक्ट और स्मॉल पोर्शन ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हम ना कोई भी मतलब कोई भी इमेज से छोटे पोर्शन को हम लार्ज करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डायग्राम है। तो यह है इलेक्ट्रॉन गन और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम है। ये इलेक्ट्रॉन बीम किसके थ्रू आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम है क्या, ये सोर्स है, रेडिएशन सोर्स है, ठीक है। तो ये यहाँ से पास आउट हो रहा है एंड ये एनोड, एनोड क्या कर रहा है, वो उसे एक्सलरेट कर रहा है, मतलब वो तेजी से मूव कराने में हेल्प कर रहा है। ये कंडेंसर लेंस है, कंडेंसर लेंस मतलब ये क्या कर रही है, पैरलर जो रेडिएशन है ना उनको पैरलर आगे भेज रही है, फॉरवर्ड कर रही है। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट पे रेस पड़ रही है। देन ये जो इमेज है, इमेज बन रही है प्रोजेक्टर लेंस पे, ये थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, ठीक है ना। एंड देन प्रोजेक्टिव कोल पे कैसे दिख रही है, थोड़ी मैग्नीफायर मैग्नीफाई होके बड़ी दिख रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड एज ए रेडिएशन सोर्स इन दिस टेक्निक। तो जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था, इलेक्ट्रॉन बीम की कैसे यूज कर रहे हैं हम, रेडिएशन सोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड व्हेन एवर ग्रेटर रेवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन मतलब क्यों रिक्वायर चाहिए, क्योंकि ये देखो जैसे हमारी नॉर्मल आई है, ठीक है ना, वो हमारी जो आंख की ना रेवोल्यूशन पावर कितनी होती है, 0.1 mm, mm क्या होता है, मिलीमीटर है, ठीक है ना। तो मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो मिलीमीटर जैसे मान लो ये दो पॉइंट है, ठीक है ना, इसमें बीच में हमें डिस्टेंस दिख रहा है, तो ये क्या है, 0.1 से मिलीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लो सपोज ये है, इसके बीच में हमें ना डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम इसमें इसमें है मतलब हमें नॉर्मल आंख से हमें डिस्टेंस दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस दिखने के लिए है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करेंगे, तो हमें डिस्टेंस दिख जाएगा, इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन पावर, ठीक है। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ईएम कैन नॉट यूज फॉर लिविंग सेल और मटेरियल। तो जो ईएम है हम यूज नहीं कर सकते लिविंग सेल्स में, ठीक है। तो द इमेज ऑफ ई एम कैन शो द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सेल और एनी स्पेसिमेन। जो ई एम है, ठीक है ना, हाँ, कोई भी सेल है, ठीक है ना, हम अल्ट्रास्ट्रक्चर क्यों देखते हैं, मतलब क्यों हमें चाहिए होता है, कि हम उनको अच्छे से मैग्नीफाई करके स्टडी कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, सैम और टैम, ठीक है। तो सैम को बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो डेप्थ रेवोल्यूशन कितना होता है इसका, 10 से 100 नैनोमीटर होता है इसका, कितना होता है, 1 से 10 नैनोमीटर होता है। और लेटरल रेवोल्यूशन कितना होता है, 1 से 10 नैनोमीटर होता है, उसका कितना है, 0.1 से 1 नैनोमीटर होता है। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन एक सबका होता है, कोई भी इमेज को ना हम कितना जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं 10 से 5 लाख एक्स होता है, इसमें कितना होता है, 2000 से 10 लाख तक होता है, ठीक है, 10 लाख एक्स तक होता है।